हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सर बंदे? आई होप कि सभी लोग बड़े होंगे एंड आगे भी बड़े रहे। तो दोस्तों, आज का वीडियो के अंदर हम बताने वाले सीपीयू जीपीयू प्रॉब्लम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का आप सभी लोगों के लिए पॉपअप शो कर रहा होगा सीपीयू जीपीयू प्रॉब्लम। यानी कि जैसे दोस्तों आप लोग गेम ओपन करते हो या फिर आप लोग बीआर रैंक मोड बोलो या फिर ठीक है आप लोग सीएस रैंक मोड बोलो, ठीक है दोनों के अंदर आप लोग गेम के अंदर ऐसा कुछ पॉपअप शो कर रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो इस वाला वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ में दोस्तों आप सभी लोगों इस वाला वीडियो का दो स्टेप बताने वाले हो, जो कि दोस्तों आप लोग दो स्टेप करने के बाद आप सभी लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलेगा बिना इधर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल पर जितने भी सारे नए बताए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो, ताकि दोस्तों ऐसे हर रोज वीडियो डालते रहो तो सबसे पहले आप सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो चलेगा बिना इधर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोग एक बात क्लियरली बता देना चाहता हूँ, यानी कि ये जो सीपीजीपी जो प्रॉब्लम, ठीक है आप लोग देख पा रहे हो ये जो प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग बता दो, हमारा जो गेम स्पेस होता है या फिर ठीक है गेम टावर होता है, ठीक है कोई भी फोन के अंदर, वो आप सभी लोग ठीक है अपडेट वर्जन नहीं रहता। ठीक है, यानी कि गेम स्पेस या फिर ठीक है आप लोग गेम टावर होता है, ठीक है आप लोग अपडेट वर्जन नहीं रहता, इसी वजह से आप सभी लोग सीपीयूजीपीयू प्रॉब्लम वो होता रहता है। ठीक है, और उसके बाद आप आते हैं, ठीक है आप लोगों का कभी कभार होता है कि आप सभी लोग हमारा जो फोन का सीपीयूजीपीयू जो रहता है, यानी कि गेम खेलते बाद बहुत ज्यादा, ठीक है आप लोग गेम खेल लिया और उसके बाद आप लोगों का सीपीयूजीपीयू गर्म होता है यानी कि हीट हो जाता है। ठीक है, और उस वजह से आप सभी लोग सीपीयूजीपीयू प्रॉब्लम शो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो, सबसे पहला जो स्टेप दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग स्टेप बताने से पहले अगर दोस्तों आप सभी लोग ये वाला वीडियो देखने पर आप लोगों को जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाता है, तो दोस्तों इस वाला वीडियो के अंदर एक लाइक कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोग गेम टावर या ठीक है आप लोग गेम स्पेस के अंदर चले जाना, और उसके बाद दोस्तों आप लोग जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने बाद आप सभी लोग ठीक है आप लोग इधर से ऑप्शन देखने मिल जाता है, ठीक है आप लोगों को सीपीयू परफॉर्मेंस और जीपीयू परफॉर्मेंस। ठीक है, जैसे दोस्तों उसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने बाद आप सभी लोग कुछ इस प्रकार एक नोटिफिकेशन देखने मिलेगा। सबसे पहले सबसे नीचे आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है आप लोग जनरल, उसके बाद आप लोगों को ब्लॉक नोटिफिकेशन और रिजेक्ट कॉल। ठीक है, और उसके बाद ठीक है आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद आप लोग सभी लोगों का ब्लॉक नोटिफिकेशन करने पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि ठीक है दोस्तों आप सभी लोगों जो हमारा जो सीपीयू और जीपीयू जो प्रॉब्लम वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, यानी कि आपके गेम खेलने के बाद ठीक है आप सभी लोगों वो वाला सीपीयू जीपीयू प्रॉब्लम वो शो नहीं करेगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप सभी लोग ये वाला स्टेप बताने से पहले, यानी कि ये जो स्टेप आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है ये स्टेप आप लोग करने से बाद भी ठीक है आप सभी लोग ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो दोस्तों आप लोग दो नंबर स्टेप आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों दो नंबर स्टेप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग गेम के अंदर चले जाना, और उसके बाद आप लोग क्या करने पड़ेगा, सबसे पहले दोस्तों आप लोग इधर से आप लोग बाई तरफ या ठीक है आप लोग दाएं तरफ से आप लोग कोने के अंदर आप लोग जैसे नीचे ठीक आप लोग स्वाइप करोगे, कुछ इस प्रकार का आप सभी लोग सीपीयू जीपीयू ठीक है आप लोगों को पॉपअप शो कर रहा होगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो मेरे जब सीपीयू ठीक है आप लोग नॉर्मल है, और उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हो नीचे तरफ ठीक है आप लोग तीन ऑप्शन देखने को मिल जाता है, गेम फोकस मोड, परफॉर्मेंस मोड और ऑटो प्ले। ठीक है, तो इधर से आप लोग क्या करना, इधर से ठीक है आप सभी लोगों को गेम फोकस मोड कर देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोग देख सकते हो टैप टू ट्राई इट आउट, यानी कि डोंट आस्क अगेन, यानी कि इसके अंदर जैसे दोस्तों ठीक है आप लोग डोंट आस्क अगेन के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक के बाद आप सभी लोगों डोंट यानी कि टैप टू आउट का ऊपर क्लिक करना पड़ा। ठीक है, और क्लिक करने बाद इधर से आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है आप लोग सभी लोगों का गेम के अंदर जो फोकस मोड होता है, ठीक है आप लोग सीरियसली आप लोग गेम ही खेल पाओगे, उसके अलावा आप लोग कोई भी काम वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि कॉल भी आएगा तभी दोस्तों आप लोग कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यानी कि जैसे दोस्तों ठीक है आप लोग इसके अंदर एग्जिट करोगे तभी दोस्तों आप सभी लोग ये जो इधर से आप लोग सब कुछ काम कर पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों काफी सारे बंदे के फोन के अंदर ठीक है एग्जिट वाला ऑप्शन नहीं रहता, तो इसे आप लोग क्या कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग जिधर से आप लोग दाएं तरफ से आप लोग स्वाइप कर रहे होगा, ठीक है उसी टाइम पे ठीक है आप लोग जैसे स्वाइप करोगे उसके बाद आप लोग एग्जिट वाला एक ऑप्शन देखने मिलेगा, जैसे दोस्तों आप लोग एग्जिट के ऊपर क्लिक करने बाद दोस्तों आप लोग इधर से देख सकते हो पॉपअप शो कर रहा होगा, यानी कि पहले की तरह दोस्तों आप लोग सब कुछ काम कर पाओगे। ठीक है, और उसके बाद आप लोग गेम काट कर आप लोग गेम रख सकते हो। ठीक है, अगर दोस्तों आप सभी लोग ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलेगा आज का वीडियो बस इतना, तब तक और एक नया धमाकेदार वीडियो मिलते, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाई।